कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला एक बार फिर घाटी में दिखाई दे रहा है। सरकारी कर्मचारी राहुल पंडित को दफ्तर में आतंकियों ने गोली मार दी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी में जबरदस्त गुस्सा है। आतंकी हमले को लेकर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गुस्साए कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर हाईवे पर जाम लगा दिया। अनंतनाग समेत कई जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए राहुल भट्ट के हत्यारों को पकड़ने और सरकार से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। कल उसको दफ्तर में गोली मारी गई है, ऑफिस में बैठकर और नाम पुकार कर गोली मारी गई है। पहले नाम से पुकारा राहुल भट्ट कौन है, उसके बाद गोली मारी गई। पिस्टल निकाला, पिस्टल से फायर किया। क्या करेंगे इसमें? हम बोलते हैं कि इंक्वायरी हो, सही कमीशन बैठे इसमें सही पता करे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। थाना एक 100 फुट की दूरी पर था, थाना सिक्योरिटी भी, तहसील की भी कोई सिक्योरिटी होगी, कोई बंदा था ही नहीं वहाँ। सीसीटीवी फुटेज सब उनके पास है, अगर वो चाहे तो पूरी तहकीकात करे इस बात की। वहीं इस घटना पर राहुल भट्ट के पिता ने सरकार से हत्या की जांच की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल पर हमले के पीछे आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स का हाथ माना जा रहा है। दरअसल बुधवार को मिडिल कश्मीर के बडगांव जिले के चदूरा स्थित तहसीलदार दफ्तर में घुसकर दो आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी पर कई राउंड गोलियां चलाई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि आतंकियों ने पहले कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने की धमकी दी और फिर जाकर हमला किया। वहीं इस घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चिंता जताते हुए बर्बर हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घिनौने आतंकी हमले के पीछे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके विरुद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है और इन कायर आतंकवादियों को चुन चुन के इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले भी हमारी सेना ने, आर्मी ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, कोई हो, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना हैं, इन सबको मौत के घाट उतारा है। जिन्होंने दक्षिण कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है, इन सब भी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे। बता दें कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं। ये हमला इसलिए भी मायने रखता है कि बीते दिनों घाटी के अंदर अधिकारियों से लेकर सरपंच तक को निशाना बनाया गया था। पिछले महीने ही दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में बाइक सवार दो आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित दुकानदार पर गोलियां बरसाई थी। वहीं शुक्रवार को भी पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई, ड्यूटी पर तैनात एसपी पर फायरिंग की गई।